press the bell icon for all the updates. जी, जितने भी टॉक शोज़ होते हैं उनमें सच का एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो ज़रूरी भी होता है, नहीं तो बहुत नकली लगता है, बहुत गिमिकी लगता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो मैं यही कहूँगा कि होगा, ये होगा कि सच का सामना एक फॉर्मेटेड शो था, एक फॉर्मेट था जिसको हम फॉलो करते थे। एक ओपनिंग होती थी, एक क्लोजिंग होती थी, एक सवाल होते थे। इस शो पर कोई फॉर्मेट नहीं है। इसका कहाँ शुरू होगा, कहाँ जाएगा, कैसे ख़त्म होगा, मुझे कोई इसका अंदाज़ा नहीं है। और मेरे पास में कोई टेम्पलेट नहीं है, मैं ऐसी कुछ चीज़ें याद नहीं कर सकता हूँ कि मुझे ये याद करके जाना है, ये बोलूँगा। आई थिंक बात से बात बनेगी और बातों से जज्बात खुलेंगे और बस एपिसोड बनता जाएगा। अच्छा, कहीं कहीं जब जज्बात बातें आती हैं सामने, जज्बात से भरी होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं, तो क्या लगता है कि जब वो बातें सामने आएंगी बहुत सारी न्यूज़ भी बन सकती है, तो उसके लिए कितने ज़्यादा प्रिपेयर है वैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी। देखिए, खबरें बनाने के लिए ये शो नहीं है। आपको कुछ बातें होंगी जो सामने आएंगी, बट देन मैं ही सोच देखता हूँ, जिस तरह से मैं देखता हूँ कि वो एक इंसान की कहानी होगी और उस हर इंसान की कहानी में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पहलू होते हैं जो हमें लगता है कि खासकर पब्लिक फिगर अगर होता है तो हमें लगता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकते हैं, इसके बारे में खबर बन सकती है। बट जिस अंदाज से मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डर किसी के भी जहन में होगा, बिकॉज हम इंसान ही तो है ना, हमसे गलतियाँ होती हैं और हमसे हमारे उतार चढ़ाव होते हैं ज़िंदगी के अंदर। अब उसमें किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव रहे हों या कभी कुछ गलत हुआ हो, तो वो उस इंसान से हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी खबरें बनेंगी या कॉन्ट्रोवर्सीज होंगी, आइडिया वो नहीं है, बनेंगी तो बनेंगी। अच्छा राजू, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि मीडियम एक ही होता है, चाहे वो टेलीविज़न हो या बॉलीवुड हो, यहाँ पे भी आपने एक बात कहा कि टेलीविज़न के स्टार्स को भी कहीं ना कहीं समझने का लोगों को मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये शो लेने का आपका मोन मोटिव यही था कि मुझे एक टेलीविज़न स्टार के लिए भी कुछ करना है, मतलब वो अपनी बातों को आगे सामने रखें। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न था जब शो मुझे ऑफर किया गया कि मैं हमेशा से इस बैटल से लड़ा। जब मुझे लोग बोलते थे कि अरे यार, आप शाहरुख के बाद में पहले एक्टर हो जो टीवी से फिल्मों में चले गए, मुझे बहुत दुख होता था जब लोग ऐसा बोलते थे। आपको फ़ख्र होना चाहिए, मुझे बहुत दुख होता था, बिकॉज मुझे लगता था कि यार, जो लोग नहीं, इनकी फिल्में नहीं चली हैं, क्या उन्होंने कम मेहनत की है? आप ये कभी बोलते हो कि अरे यार, वो स्टार जो फिल्म टीवी पे नहीं चले, फिल्मों में वापस आ गए, क्यों नहीं लिखता मीडिया? लिखे ना कि बड़े से बड़े स्टार जो थे वो टीवी सीरियल में फ्लॉप हो गए, लेकिन एक टीवी एक्टर जब टीवी से फिल्मों में जाता है तो बोलते हैं ही डिडंट वर्क, ही कम बैक टू टीवी, विच इज़ वेरी सैड, बिकॉज किसी ने कोशिश की, नहीं चली वो फिल्म। राजीव ने आमिर की चल गई शाहरुख के बाद में, और मुझे उस टाइम मैं जानता रहा, मेरे कुछ दोस्त थे जिन लोगों ने फिल्में की थी, उन्होंने कोशिश की, नहीं चली, एक्टर हो वो नहीं चली, एक आपका शो चल गया, आपकी प्रोजेक्ट तो चल रहा ना आपका, लेकिन लोग मीडियम से ऐसा, खासकर हमारी मीडिया जो है वो इस तरह से लिख देती है। तो मुझे लगता था हमेशा यार, टीवी एक्टर और टीवी एक्टर करते हैं ना, इसे परसेप्शन गलत बना रखा है। तो मेरी ऐसी ऑफकोर्स कोशिश थी ये शो लेने से पहले कि मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा टीवी एक्टर्स आएँ जिन्होंने ऑफकोर्स एक अपने लिए मकाम बनाया, आएँ और मैं दुनिया को दिखाऊँ कि ये जितनी मेहनत करते हैं, जितना टैलेंट है, ये कई उन एक्टर से ज़्यादा होगा जो लोग फिल्में करते हैं। सो लेट्स नॉट डिवाइड पीपल विद एज टीवी एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स और थिएटर एक्टर्स, देर ऑल एक्टर्स, देर ऑल डायरेक्टर्स, द फॉर्मेट दे आर वर्किंग ऑन is for that moment. Today I am working on a television show which comes on television. Tomorrow I am working on a film that comes on a film format. And I am an actor by profession. So you know, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये डॉक्टर है, वे दोनों बोलते हैं कानों का डॉक्टर है, ये दांतों का डॉक्टर है। ऑफकोर्स हमें मालूम है कि उनकी उनकी जो स्पेशलिटी है वो उसमें होगी, बट देर आर डॉक्टर्स बाय प्रोफेशन। अच्छा, कहीं ना कहीं ये माइंड ज़रूर ऑफकोर्स ये चेंज हो जाएगा जब ये शो लोग देखेंगे, पर क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनका इंतज़ार ख़त्म हुआ आपको टीवी पे वापस देखने का, आपके फैंस का? इंतज़ार उनका तो पता नहीं ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरा इंतज़ार ज़रूर ख़त्म हो गया। बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं टेलीविज़न पर आऊँ, लोगों से कुछ शो करूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि बहुत से लोग इसे रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड भी करते हैं मुझसे कि राजीव, आप जो करना करो आप, लेकिन रोज़ दिखते भी रहो। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी ये डिमांड पूरी करूँ, लेकिन प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलते नहीं हैं जहाँ पे मैं सोचूं कि ये सीमित संख्या के शोज़ हैं, डेली सोप के ऑफर्स आते हैं, तो मैं नहीं करता हूँ। तो मैं बहुत खुशी है मुझे कि मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, एक बार फिर आपके सामने, हर रोज़ तो नहीं लेकिन हफ्ते में दो बार आपके सामने आऊँगा,
और कुछ ऐसे लोगों को लेके आऊँगा जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, तो आपके लिए तो ये बोनस होगा। राजीव तो है ही है, लेकिन राजीव के साथ में कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग जिन्हें शायद आप मुझसे भी ज़्यादा पसंद करते होंगे, तो आई एम होपिंग कि आप इन्जॉय करेंगे और अपना समय देंगे।